बैनर्जी लेआउट भगवान नगर के खेल मैदान पर गिट्टी, रेती और चूरी डाली गई है, जहां पर खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को रोज तकलीफ हो रही है। कई खिलाड़ियों की गिरने से चोटें आई हुई हैं। वहां की जनता सुनील केदार, खेल मंत्री, महाराष्ट्र शासन इनसे विनती कर रही है कि कृपया इस प्रकार की कोई भी कृत्य खेल के मैदान में ना हो और इसकी भरपाई खिलाड़ियों को अपने हाथ पैर तोड़कर ना झेलनी और भरनी पड़े। हम सभी खिलाड़ी प्रेमी और यहाँ के नगरवासियों का प्रश्न है कि इनको यहाँ खेल मैदान पर गिट्टी रेती रखने की इजाजत किसने दी। आपसे विनती करते हैं कि कृपया इन बातों का ध्यान रखें। यहाँ के हम सभी नगरवासी ऐसे कृत्य का निषेध करते हैं और घोर निषेध करते रहेंगे। आंदोलन में मनीष चांदेकर, बाड़ू सुरेंद्र सातपुते, अशोक महले, रतन यादव, प्रेम भाऊ इत्यादि उपस्थित थे। बैनर्जी लेआउट भगवान नगर मैदान बचाओ समिति की तरफ से मनीष चांदेकर बोल रहे हैं। नागपुर शहर में यहाँ के कई मैदान ग्राउंड है जो उसको अनदेखी की जा रही है। विशेष करके कई ग्राउंडों पे इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन के काम और कई प्रकार की जो जिस प्रकार से ग्राउंड को हानि होती है ऐसे कई कृत्य किए जाते हैं। मैं विनती करता हूँ कि हमारे मंत्री, महाराष्ट्र के मंत्री माननीय सुनील केदार साहब से, वे स्पोर्ट्स कोटे के मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, तो हमारी विनती है, आग्रह है कि वे इस ओर ज़्यादा करके ध्यान देंगे कि जो मैदान एक तो संकुचित मैदान है बचे हुए, कई लोगों ने मैदानों पर कब्जा कर लिए, लेकिन जो मैदान अभी स्थापित है और जो बचे हैं उस पर उन्होंने ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए और ये मैदान बचाना चाहिए। आया कल क्रिकेट खेलते हुआ हुआ क्या काय म्हणते आम्ही खेळू कुठे इथे टाकून ठेवला काय ना तुझं इथे आपलं पूर्ण मोठं मोठं ट्रॅक आहे त्याला लहान मुलं आलायच्या खाली वगैरे हो ना एवढं मोठं मोठं ट्रॅक आहे एखादं लहान मुलं ट्रक वगैरह खाली आला है मदद टाकून ठेवून दिला। बीसीएन न्यूज के लिए अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।